अस्सलाम वालेकुम, ज़रिया खान व्लॉग्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते होंगे और इसे कुछ सीखते हैं। मैं चूँकि व्लॉग्स कम ही बनाता हूँ और वो सिर्फ वो व्लॉग्स बनाता हूँ जिसमें कोई ना कोई मकसद हो, जिसमें किसी गरीब की दिहाड़ी दिखाना हो या ज़रदालू की पैकिंग हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले की जो फील्ड है उसको उजागर करना है। ये मेरे बेसिकली मेन मकसद होता है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे मज़दूर से कराना चाहता हूँ जो तपती धूप में, गर्मी में, पसीने से शराबूर वो मेहनत मजदूरी करता है। ये एक पैगाम देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो घर पर बैठे हुए हैं आराम एसी और एयर कूलर के नीचे बैठ के। इन लोगों से उन्होंने नज़रें चुराई हैं, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इन लोगों ही के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाना है। और ये जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म हमें अल्लाह ताला ने मुहैया किया है उसी के अंदर इसी के मस्बत इस्तेमाल से हम लोग इन गरीबों की आवाज़ बन सकते हैं और इन लोगों को हम लोग माशरे में एक ऐसे ज़दा शरीक के तौर पर सामने ला सकते हैं। तो मेरा आज का जो व्लॉग है बेसिकली एक मज़दूर से मुलाकात है। उस मुलाकात में मैंने उसे ये पूछा है कि दिहाड़ी कितनी मिलती है, काम कितने घंटे पर करते हैं और महीने का कितने कमा लेते हैं, क्या मुश्किल है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेंगे। चलो हमारे साथ चले और प्लीज़ हमारे जो चैनल है, चूँकि नया चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि इस व्लॉग से रिलेटेड नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब 10,000 आसान है। यही नहीं 5-6 शामीर तकरीबन 3-4 साल हो गए। मैं उस्ताद हूँ मिस्त्री में। 2,000 के हिसाब से तो 60,000 बन जाता है। यही मुश्किल तो होता है। तकरीबन 3-4 साल हो गए। बलूचिस्तान के लोग अच्छे हैं, यहाँ पे मैं काम करके खुशी से यहाँ काम कर रहा हूँ मैं।